तो गाइस मैं जा रही हूँ हिमाचल एक हफ्ते की छुट्टी में, तो अभी मैं बस अड्डे में हूँ। हम जाएंगे HRTC से, HRTC तो चलो चले हिमाचल घूमे घूमे। तो क्या, घर जा रही हूँ मैं, घर। बहुत ट्रैफिक हो रहा है बगल वाले, उसमें बारिश का मौसम है शायद, इसलिए भी बहुत ट्रैफिक है। तो बस वाले भी बोल रहे हैं कि आगे चल के हमें भी ट्रैफिक मिलेगा, तो बस ना लेट पहुंचेगी। ऐसे तो 5 बजे का टाइम था, बट शायद 11-12 बज जाएंगे हम लोगों को। देखते हैं। गुड मॉर्निंग, तो टाइम हो रहा है 10 बजने वाले हैं, और ना हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए। पता नहीं क्या हो रहा था, किसानों का भी कुछ चल रहा था और बारिश की वजह से बहुत ट्रैफिक था, तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया। हमें 7 बजे पहुँचना था और हम 11 बजे पहुँचने वाले हैं। तो अभी हम उसमें ढाबे में हैं, यहाँ पे हम फ्रेश होने के लिए हैं। ब्रश तो किया नहीं है, बट कोई बात नहीं, आइसक्रीम खाते हैं। सब्जी है दुराना से, मैंने सब्जी ली है। यहाँ की सब्जी एकदम फ्रेश होती है, जब भी हम हिमाचल आते हैं तो हम मेनू से सब्जी लेते हैं। अरसा हो गया मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको। बड़ी बारिश हो रही है, हम लोग पहुंच गए हैं घर में, जैसे कि आप देख सकते हो मैं घर पे ही हूँ, पापा दरवाजे खोल रहे हैं। तो हम लोग हो गए हैं काफ़ी लेट, क्योंकि हमारी बस लेट थी। हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है, जैसे आप देख सकते हो मेरी तो बहुत बुरी हालत हो चुकी है, मैंने बहुत ज़्यादा ही खिड़की से हवा ले ली, सारे बाल ख़राब हो गए हैं। तो चलो अंदर चलते हैं, फ्रेश होते हैं। धूल ही धूल हो रखी है और हम लोग साथ में अपनी बारिश लेकर आए हैं। तो अभी पापा दरवाज़ा खोल रही है, बहुत धूल है, सफाई करनी पड़ेगी।